नमस्कार दोस्तों, टेक विश्व के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं वन प्लस का जो नॉर्ड मोबाइल फ़ोन है उसका हम 12 GB 256 GB का जो वेरिएंट मेरे पास है उसका आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो नॉर्ड का जो बॉक्स आता है वो बॉक्स किस तरीके से आता है। इसका कवर मैंने पहले से बाजू में निकाल के रखा है बिकॉज ये कवर थोड़ा एक अलग क्वालिटी का आया था और ये बहुत जल्दी पीला हो गया है, तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए पहले से बाहर निकाल के रखा है। तो अब बात करते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे वन प्लस की राइट साइड में इस तरीके से बैजिंग मिलेगी आपको, ऊपर के साइड में कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में भी सिर्फ वन प्लस नॉर्ड लिखा गया है, नीचे के साइड में कुछ बार कोड्स वगैरह दिए गए हैं और नीचे जो नीचे प्रिंटेड प्राइस वगैरह आप देख पा रहे हो यहाँ पे लाइसेंस बाय क्वालकॉम लिखा है और ऊपर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स वगैरह है कि नेट क्वांटिटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है और उसी के साथ में सार वैल्यूज़ वगैरह भी यहाँ पे दिए गए हैं। सार वैल्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे हो 1.08 वॉट पर केजी का आपको हेड के लिए मिल रहा है और 0.78 वॉट पर केजी जो है वो बॉडी के लिए मिल रहा है। तो सार रेटिंग्स बहुत लोग पूछते तो उनके लिए सार रेटिंग्स मैंने पहले से ही स्टार्ट में बता दी है, ठीक है। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। इसको अनबॉक्स करते वक्त एक चीज़ आपको याद रखना है कि वन प्लस जो है ये ऐसा फ़ोन है कि इसमें आपको हेडफोन जैक नहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैंने इसके साथ में ये एक एक्सेसरी भी मंगवाई है वन प्लस से, इसके बारे में भी बात करते हैं। टाइप सी 2 3.5 mm का जो जैक आता है ये मैंने वन प्लस से मंगवाया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ वन प्लस का ही ओरिजिनल लेना, ये कोई डुप्लीकेट वगैरह मत इस्तेमाल करना। डुप्लीकेट यूज़ करोगे तो उसकी वजह से आपका जो टाइप सी का चार्जिंग का पोर्ट आता है वो ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फ़ोन ही दिखेगा। फ़ोन को अगर हम बाजू में रख देते हैं यहाँ पे एक वेलकम लेटर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, नॉर्ड जो है एक पहला फ़ोन है एक अलग सीरीज़ का, इसके लिए यहाँ पे आपको जो नॉर्ड टीम है उनकी तरफ से एक वेलकमिंग लेटर भी देखने को मिल पा रहा है। आप देख पा रहे हो किस तरीके से पीछे की साइड पे नॉर्ड का ब्रांडिंग वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको चार्जर मिलेगा, वॉप चार्ज 30 वॉट का जो वॉप चार्जर आता है वही आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ में आपको वन प्लस का जो नॉर्मल केबल आता है वही केबल देखने को मिलेगा रेड कलर में, टाइप ए टू टाइप सी का केबल ये देखने को मिलेगा। वॉप चार्जर के साथ में आता है ये फ़ोन, 30 वॉट का वॉप चार्जर जो है वो आपका फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज कर सकता है, तो ऑलमोस्ट 40 या 45 मिनट्स में फुल चार्ज होगा आपका फ़ोन, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा वन प्लस के साथ में जो चार्जर आता है वही चार्जर आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। इसी के साथ में आपको नॉर्ड के कुछ स्टिकर्स वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं, दिस इज़ जस्ट फॉर योर ओन पर्पज़, आप इंटरनल यूज़ कर सकते हो इसका। एक स्टिकर मैंने यूज़ किया है, ऐसे नॉर्ड का बड़ा स्टिकर है, वन प्लस का भी यहाँ पे छोटा स्टिकर है और नीचे वन प्लस के दो स्टिकर्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ पेपर वर्क वगैरह देखने को मिल रहा है, क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह, बहुत सारे लोग ये पढ़ते नहीं हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप एक 10-15 मिनट आप स्पेयर कीजिए इसके ऊपर, बिकॉज बहुत बार कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें रहती है जो अपने को पता नहीं रहते, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती है। लेजर टाइम मिले कभी भी तो आप पढ़ लीजिए उसमें से। और यहाँ पे आपको एक सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल रहा है। सिम इजेक्टर टूल की बात करते तो एक प्रीमियम डिज़ाइन का सिम इजेक्टर टूल इन्होंने प्रोवाइड किया है, एक स्माइली शेप वाला, ये जो है वो सिंपल वाला नहीं है, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिजर्व करके रखिए। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके फ़ोन का सिम इजेक्ट करने के लिए जो उसके साथ आता है वही इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज हर एक फ़ोन का जो टिप रहता है वो सिम इजेक्टर का टिप रहता है वो अलग रहता है, तो टिप भी अलग रहता है और इसका जो डायमेंशन रहता है वो भी प्रॉपर रहता है फ़ोन के लिए, तो अपना ही सिम इजेक्टर का टूल इस्तेमाल कीजिए। उसकी जगह पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स रहता है वो कभी इस्तेमाल मत करना, उसकी वजह से आपका जो सिम का आर्किटेक्चर है वो भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। अब ये बाकी का नॉर्ड का जो बॉक्स है वो मैं साइड में रख देता हूँ। फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं, आप देख पा रहे हो ये ब्लू कलर मैंने मंगवाया था, ये कलर मुझे अच्छा लगा, इसमें ग्रे कलर भी आता है दूसरा, अगर आप ब्लैक कलर की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हो तो वो कलर भी आप ले सकते हो, पर अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे नहीं है कि
ये थोड़ा गर्लिश कलर वगैरह लग रहा है, ऐसे कभी नहीं है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड कलर। आप देख पा रहे हो यहाँ पे वन प्लस का ब्रांडिंग आता है, वन प्लस लिखा हुआ है और नीचे वन प्लस का बैजिंग आता है। यहाँ पे चार कैमरा का सेटअप है और यहाँ पे फ्लैश दिया गया है। यहाँ पे कोई माइक नहीं है पीछे की तरफ। साइड प्रोफाइल की बात करते तो यहाँ पे आपको एक पावर ऑन ऑफ का स्विच मिलेगा देखने को। उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्विच है जो आपका फ़ोन वाइब्रेट, साइलेंट या रिंग मोड पे रहेगा। ये एक्चुअली उन्होंने उल्टा दिया है। जो रिंग मोड है वो सबसे नीचे है, वाइब्रेट बीच में है और साइलेंट मोड जो है वो ऊपर है। एक्चुअल में ये उल्टा होना चाहिए था, लेकिन वन प्लस अपने तरीके से प्रोवाइड करता है और इसको आप ट्विक नहीं कर सकते हो। इसको आप ये जो सेटिंग दिया गया है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इधर आपको वॉल्यूम का, जो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का जो बटन्स है वो लेफ्ट साइड में दिया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे दो बटन होने की वजह से इन्होंने ये बटन ये साइड में दिया, तो कभी रात में अंधेरे में अगर आपको फ़ोन यूज़ करना है तो आप इजीली मैन्यूवर कर सकते हो कि आप कौन से साइड यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। फ्रंट कैमरास की बात करते हैं, यहाँ पे दो कैमरास है तो टोटल छः कैमरास के साथ में आता है वन प्लस नॉट। नीचे की साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर का ट्रे मिलेगा, सिम ट्रे मिलेगा। मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं आता है वन प्लस के किसी भी फ़ोन में, ये फ़ोन भी वैसा ही है। यहाँ पे स्पीकर प्रोवाइडेड है और यहाँ पे टाइप सी का ग्रिल है। स्पीकर जो है वो ड्यूअल स्पीकर है, ये इधर का भी स्पीकर जैसे ही इस्तेमाल होगा और ये भी जो है वो भी स्पीकर की तरह ही इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो, ये तो सिर्फ अनबॉक्सिंग है, लेकिन फ़ोन अगर आप देखोगे तो फ़ोन बहुत फ्लूइड है, शानदार फ़ोन है ये, ठीक है। और एक्सेसरीज़ की बात करते हैं तो ये एक एक्सेसरी मैंने मंगवाई है इसके साथ में, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप कन्वेंशनल हेडफोन इस्तेमाल करने में ज़्यादा बिलीव करते हो या ज़्यादा कन्वेंशनल हेडफोन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप ये ऐसा छोटा सा अडेप्टर खरीद सकते हो। 590 रुपीज़, मतलब ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ के आसपास आपको ये मिल जाएगा वन प्लस के किसी भी शोरूम से, ये वन प्लस के साइट से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये एक रिकमेंडेड एक्सेसरी है आपके फ़ोन के लिए। आप यहाँ पे टाइप सी का अडेप्टर लगा के आप यहाँ से आपका वायर्ड जो हेडफोन है 3.5 mm का जैक है वो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ब्लूटूथ वाला हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हो तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 3.5 mm का जैक का फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा हेडफोन इस्तेमाल करते हो, तो दिस इज़ अ गो टू एक्सेसरी फॉर यू, ठीक है। सो आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, तो इसका एक फुल रिव्यू मैं बाद में आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये फ़ोन के रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेकविश यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको एक फ्रेश एपिसोड के साथ टुमारो, तब तक यू गाइस टेक केयर, बाय बाय। लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए, बाय बाय।